कहाँ की तैयारी है? मेरी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। ये कौन सा नया दोस्त है जहाँ रोज जाते हैं और फिर वापसी भी इतनी देर से होती है? टोन देख रहा हूं मैं तुम्हारी कि कहां से आ रहा है ये सवाल। अरे 1000 दफा समझा चुका हूं तुम्हें, जो औरतें अपने मर्द की जात पर शक करती हैं ना, अपना वकार, अपना मर्तबा, मकाम गिरा देती है उसकी नजर में। अब 30 साल से तुम शक कर रही हो मुझ पे, तो रख लो अपना नाम बद्दो शक की। शक नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ। क्या पूछ भी नहीं सकती मैं? अरे पूछ भी नहीं सकती क्या? ये रोज पूछने का क्या सवाब मिलता है तुम्हें? क्या करती हो, मूड ही बिगाड़ देती हो मेरा। याद रखो, शोहर को नाखुश करके ना जहन्नुम को दावत दे रही हो तुम, और फिर जन्नत को तरसती रहना हमारी खुशनूदी के बगैर। हद हो गई तुम्हारी। मैंने चेक के बारे में पूछना था, कर सार वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। अब क्या करूं, किससे कहूं? अरे भाई क्या हो गया, अम्मी की सोच में गुम हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? यही कि तुम बरसरे रोजगार हो जाओ तो फिर मैं तुम्हारी दुल्हन लेकर आऊं। मुझसे नहीं होते डबल डबल काम, घर का भी करो सिलाई भी करो, मुश्किल लगता है। क्या करूं मम्मी, मैं तुम्हें पता तो है जॉब ढूंढ रहा हूँ, इतनी ख्वारी होती है। लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छे रिश्ते उन्हीं लड़कों को मिलते हैं ना जो बरसरे रोजगार होते हैं। रिश्ते की टेंशन नहीं लें आप, बस तैयारी करें। क्यों, क्या कोई है नजर में? नजर में भी है और दिल में भी है। कौन है? साइमा की नानी, नीलो। ये अपनी नीलो? हाँ अपनी नीलो। ऐसा क्या कह दिया मैंने, क्या खराबी नीलो में? इसका मतलब साइमा मुझे ठीक कहती, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। क्या बोला साइमन? जरूर कुछ ना कुछ गलत बोला होगा अपनी नन के खिलाफ, उसको तो मौका चाहिए होता है ना। क्या तरीका है शहजादा, किस कदर गलत सोच है तुम्हारी अपनी बड़ी बहन के बारे में। मेरी गलत सोच नहीं है अम्मी, आपकी गलत सोच है। आपको पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। साइमा ने नाक में दम करके रखा हुआ है उनकी, बेचारे मोहसिन भाई ने बर्दाश्त करके रखा हुआ है उसको। मैं सास और नन को तो वो बैठने भी नहीं देती। अब जानता हूँ मैं, आपको कुछ नहीं पता है। और ये सब कुछ तुम्हें उस नीलो ने बताया? हाँ जाहिर सी बात है नीलो ने ही बताया है, और किसे बोलेगी। वो तो चाहती है कि मैं आप ही को समझाऊं, लेकिन मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो उसकी दुश्मन हो जाएंगी। देख लो अम्मी, मैंने तुम्हें लड़की बता दी है, अब तुम तैयारी कर लो, मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। अल्लाह।